लीजिए सुनिए चिंतन। एक शब्द है लेकिन ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ होता है। ओंकार का साधना के बारे में आप सबको परिचय कराना चाहूंगा। ओंकार जैसे हम बोलते हैं एक मंत्र का ओम नमः शिवाय ऐसा, तो सिर्फ ओम बोलने से उसका पूरा फायदा हमें मिलता नहीं। ओंकार के अंदर में तीन मात्राएं होते हैं, आकार उकार मकार। कौन सा मात्रा को कितना देर बोलने से कौन सा तरंगे पैदा होते हैं और उन तरंगों का जो फ्रीक्वेंसी है जो हमारा मेटाबॉलिज्म के ऊपर, हमारे शरीर के अंदर में ब्लड केमिकल्स के ऊपर कैसा काम करता है, एक तकनीक है जो ओंकार साधना है। और उसको हम इस तरह बोलने से बहुत फायदा होगा, जैसे अभी मैं तीन मात्राओं को उच्चारण किया लेकिन अंदर से आवाज एक ही है, इसको ऊपर में जैसा पूरा मुंह खोल करके बोला हो तो आ, ये शब्द नाभि से निकलती है। और दूसरा वो उकार, तो उसको हम दोनों होठों को नजदीक करते हैं तो उकार में बदलते हैं। इस मात्रा को मैंने ज्यादा इस्तेमाल किया और ये अनाहत चक्र मैंने हमारा हृदय के पास में, क्योंकि जो कॉन्शियस लेवल है हमारा ये पूरा यहीं पर होता है। और दूसरा मकार, जब मकार मैंने उच्चारण किया तो कंठ के ऊपर, जिसको हम पराशक्ति परा बोलते हैं। इस तरह ओकार को ज्यादा बोलने से शरीर के अंदर में जो अनाहत चक्र है चौथा, और उसके नीचे और ऊपर में पूरा ऊर्जा का संचालन होगा और नीचे अंगों के अंदर में जितने भी बीमारियां दूर होते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर हमको आगे बढ़ना हो तो मकार शब्द को दोनों होठों को बंद करके जो उच्चारण करते हैं तब पूरा मस्तिष्क के अंदर में ऊर्जा संचारित होगा और उससे हमारा मस्तिष्क में और मानसिक तौर पर बहुत फायदा होगा। अगर एक आम आदमी शुरू करना हो तो इसी तरह आकार को 4-5 सेकंड बोले, फिर उसके बाद ओकार को जितना लंबा खींच सके उतना लंबा खींचे और मकार से अंत कर दे। और इस तरह से अगर हम आकार उकार मकार को बोलते हैं तो जो उन कोशिकाओं के अंदर में जो गड़बड़ है वो दूर हो जाएगा और अपने आप फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा और बीमारी दूर हो जाए। और इसके साथ में अपना श्वास का प्रक्रिया को भी जोड़ते हैं। जब बोलते वक्त हमारा शरीर के अंदर में से कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अब अंत में जो कुछ भी बचा है मुंह बंद करके नाक से बोलता हूं तो नाक से जो बचा वो पूरा निकल जाता है। निकलने के बाद श्वास ना लेते हुए नाभि को अंदर खींच करके गर्दन को नीचे करते हैं और बाहर में हवा, बाहर मतलब एक बांध बन गया, इसको कहते हैं प्राणायाम में शून्य स्थिति। इस स्थिति में जितना देर रह सकते हैं उतना देर रहेंगे, जब सहन नहीं कर पाते हैं तब गर्दन को उठा करके मुंह से श्वास ले लेंगे। यहां पर क्या होता है, अब तक जो ऑक्सीजन कोशिकाओं को नहीं मिला है वो ऑक्सीजन मिलने लगता है। जब ऑक्सीजन से भरपूर हो जाता है कोशिकाएं तब उसके अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ आज तक वो पूरा निकल जाता है, तो नया ऊर्जा कोशिका को मिलेगा और पुराना गंदगी निकल जाती है। इस तरह हर कोशिका, हर अंग अंग प्रत्यंग पूरा बॉडी के अंदर में और खास करके रीढ़ हड्डी के अंदर में, मेरुदंड के अंदर में जितना भी तकलीफ है सब दूर हो सकते हैं। जो व्यक्ति इस क्रिया को इस तरह 25 मिनट, मतलब 25 मिनट लगातार बोलना नहीं, ये सब बोलना श्वास के साथ में जोड़ना 1 मिनट लगता है और 4 मिनट आराम करते, एक ओंकार साधना का मतलब 5 मिनट हो गया। ऐसा हम आम व्यक्ति 5 बार ही करना चाहिए। ऐसा इस 25 मिनट जो व्यक्ति मॉर्निंग में खाली पेट पे करता है उनको पूरा शरीर एक ऊर्जावान हो जाता है, हर कोशिका ताजगीपन महसूस करता है। ये था आज का चिंतन।